इसके लिए पहले हम एक बोल ले लेंगे और बोल के ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी। अब हम इस पे डालेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन को यहाँ पर छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लम्प्स होते हैं वो बाद में भी परेशानी करेंगे, जब आप घोलेंगे तो उसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, इसलिए उसको छान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम इसको 1.5 कप बेसन को छान लेंगे। ये अच्छे से छन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 टीस्पून नमक और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी, आप मोटी या महीन कैसी भी ले सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे 1 पिंच येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ही डालें, नहीं तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 चम्मच छोटी चम्मच हल्दी की इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें टोटल इसमें लेना है 1/4 कप, मतलब 1 कप प्लस 1/4 कप, और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालने से इसमें लम्प्स आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बैटर को चलाते जाएंगे। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बन गया है ये। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम बैटर को 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे जिससे इसमें एरेशन हो जाएगा और हमारा ढोकला बहुत फ्लफी बनेगा। ये देखिए अच्छे से फिट गया है। अब हम इसको ढककर रख देंगे, इसको हम 5 मिनट तक का रेस्ट देंगे या फिर जब तक हमारा स्टीमर या फिर कढ़ाई जिसमें भी आप ढोकला स्टीम करेंगे वो उसमें पानी जब तक तैयार होगा गर्म होके तब तक हम इसको ढका रहने देंगे जिससे बेसन फूल जाएगा और ढोकला बहुत लाइट बनेगा। जब तक स्टीमर में पानी खोल रहा है तब तक हम इसके लिए बर्तन तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे केक टिन का यूज़ कर रही हूँ, आप घर में चाहें तो थाली या कोई टिफ़िन भी ले सकते हैं स्टील का। इसको अच्छे से हम चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको हम चारों तरफ लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से ग्रीस हो गई है, इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम करते हैं दूसरी तैयारी। मैंने एक छोटी कटोरी में ले लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमें जब पानी खोल जाएगा तब काम आएगा, इसी से हम अपने ढोकले को फुलाएंगे। कढ़ाई में पानी उबलने लगा है, अच्छे से खोल आ चुका है, तो चलिए चलते हैं अब बैटर की तरफ। बैटर भी देखिए कितना हल्का सा दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा और चला लेंगे हम एक बार अच्छे से। अब बैटर बहुत अच्छे से फिट गया है, तो अब हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे और इसमें सीधे ही डाल देंगे हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर जो हमने बनाया था। इसको डालने के बाद हम इसमें 2-3 चम्मच ऊपर से पानी डालेंगे जिससे ये बैटर में मिलाने में बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद हम स्पैटुला से इसको नीचे तक का जो बैटर है उसको भी हम इसमें मिला देंगे जिससे सारा ही बैटर बहुत ईजीली एक सा हो जाए। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे और बहुत हल्के हाथ से और बहुत तेज़ी से नहीं मिलाएंगे वरना इसमें जो ये बबल्स बने हैं ये सारे फूट जाएंगे। अब ये देखिए बहुत अच्छे से एक सार मिल गया है और सारा ही बैटर बहुत ही फ्लफी हो गया है। अब इसको हम टिन में निकाल लेंगे। टिन में निकाल के हम इसको टैप नहीं करेंगे वरना इसके बबल्स फूट जाएंगे। और अब हम सीधे ही इसको स्टीमर में रख देंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई में ढेर सारा पानी लिया हुआ है और उसमें उबाल आ चुका है। इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से इमली के टुकड़े जिससे कढ़ाई या जो भी बर्तन आप स्टीमर जैसा यूज़ कर रहे हैं वो काला नहीं पड़ता है। ये ट्रिक आप यूज़ कीजिएगा। और इसमें हम इसको टिन को रख देंगे और ऊपर से हम ढक देंगे और इसको फुल फ्लेम पर हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं ढोकला को पकते हुए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बट केयरफुल रहिएगा, इसमें स्टीम बहुत तेज़ी से हाथ जला सकती है। अब हम इसको चेक करेंगे, ये एकदम साफ निकल रहा है इसकी ऊपर, इसका मतलब है हमारा ढोकला एकदम पक चुका है। अगर इसमें बैटर लगा आता तो आप समझ जाइएगा कि कच्चा है और उसको 5 मिनट के लिए और फिर से ढक कर पका लीजिएगा। ढोकला हमारा बनकर तैयार है, इसको हम अलग निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम बनाते हैं इसकी टेम्परिंग। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन में ले लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, 2 चम्मच के करीब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच सरसों के दाने। जैसे ही ये चटकने लगेंगे इसमें डाल देंगे हम 2-3 डंडियां करी पत्ते की और फिर साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च। और जल्दी से इसमें हम डाल देंगे पानी, यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है।
आपको जैसा अच्छा लगता हो, सूखा अच्छा लगता हो तो आप सूखा भी खा सकते हैं, और आपको ऐसा गीला वाला अच्छा लगता है तो गीला वाला भी बना सकते हैं। मुझे तो ये पानी बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, ये 3.5 टेबल स्पून चीनी है। साथ ही हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड। अगर आप यहाँ पे सिट्रिक एसिड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं एक। अगर आप पूरी ही रेसिपी में सिट्रिक एसिड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी सिट्रिक एसिड का यूज़ हुआ है आप वहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उबाल आने के बाद हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। इतना गर्म हमें यूज़ नहीं करना है इसलिए थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब लीजिए, हम ढोकला एकदम ठंडा हो चुका है और ये देखिए इसको काट लेते हैं कितने इजीली और कितने बढ़िया इसके टुकड़े कट रहे हैं। आपको मैं एक दिखाती हूँ निकाल कर। ये देखिए कितना स्पंजी हमारा ढोकला बना है, ये 1 मिनट में ही सारा पानी सोख लेगा और बहुत ही सॉफ्ट बना है। चलिए इसमें हम डाल देते हैं अपने तड़के वाला पानी। इसमें ऐसे करके डाल दीजिए और आपको जितना पानी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। अब इसको बस 5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि ढोकला ठंडा ही अच्छा लगता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर खाना पसंद करते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। और लीजिए, तैयार है आपका ठंडा टेस्टी डिलीशियस ढोकला। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बना है, साथ ही खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।